क्लास 7 भी एमएस एक्सेस बहुत हद तक शुरुआती दौर में एमएस एक्सेल और एक्सेस का जो कंसेप्ट होता है, जो सोच होती है, कंसेप्ट मतलब सोच आधार, वह लगभग सेम है। आप देख पा रहे हैं कि यही चीज़ आप एक्सेल में मेरे साथ कर रहे हैं, अटेंडेंस शीट के रूप में, मार्कशीट के रूप में यही कर रहे हैं, और बोर्ड पर वास्तव में एक छोटा सा मार्कशीट ही लिखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वंस अगेन, यह रिवीजन पार्ट भी हो जाएगा। किसी भी, अब ये जो चीज है जो कॉलम और रो के मिलने से बनती है, दैट इज कॉल्ड टेबल एंड इट इज डिसाइडेड एज डेटाबेस टेबल। ठीक, अब ईच एंड एवरी पार्ट को मलाला लिखवा नहीं देंगे एज ए थ्योरी। ठीक, टेबल में जो सबसे ऊपर जो होता है, यानी जिसको बोलते हैं हेडर, हेडिंग्स, इससे ये पता चलता है कि जो नीचे डाटा है वह किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात सही है, मतलब जैसे अनिल और सुनील किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नेम है 2028 2113, इस ये क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, ये बच्चे का यूआईडी नंबर है जो आपका है, हो सकता है। फिर हेडर है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इंडिविजुअली हर एक छोटी से छोटी बॉक्स में लिखी हुई चीज क्या कहलाएगी, डेटा। ठीक, यहां तक कोई डाउट है? इसीलिए इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, या तो हेडर बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, फील्ड। ठीक, हेडर या फील्ड, आप चाहे तो फील्ड के बगल में और हेडर लिख लीजिए, फील्ड के बगल में और हेडर करके लिख लीजिए, जहां फील्ड्स लिखा हुआ है वहां और करके। कोई डाउट है? अब रॉ डेटा का मतलब है ये 90 किसका है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, ये 90 किसका है। तो जब कोई डेटा किसी से रिलेशन नहीं बना रहा है, जैसे कैसे कहते हैं किसकी कॉपी है, अगर कॉपी में नाम, क्लास नंबर, रोल नंबर, सेक्शन नहीं लिखा, तो आप उससे नहीं खड़ा होकर मॉनिटर पूछता है ना किसकी कॉपी है। यानी कि जब कोई रिकॉर्ड किसी का पता नहीं बता रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, रॉ डेटा, कच्चा है। लेकिन जैसे ही हम अगर एक छोटी सी चीज यहां लिख दें तो शायद आप जवाब दे पाएंगे ये 90 किसका है, ए का है। तो जब तक ये नहीं था, ये 90 लावारिस था। ऐसे रिकॉर्ड जिसका कोई अता पता नहीं हो, लावारिस हो, क्या कहलाएगा, रॉ डेटा। यानी कि चावल सब्जी क्या है, रॉ है, कच्चा है। जब कढ़ाई या पतीले में पकाया जाता है तो क्या बन जाता है, भात या सब्जी, है या ना। हम लोग जो एक्चुअली बोलते हैं कि राइस निकालो,